भैया थोड़ी जल्दी आ जाओ यार। ओ भाई, ओए भाई तेरे क्या हुआ? ओए ओ भाई पागल है। सो हे गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं भाई के सब खुशल मंगल होगा। इट्स शादाब खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जेपी दल्ले के बारे में। हां तो जेपी भाई क्या हालचाल है भाई? मैंने एक्चुअली जो कम्युनिटी में पोस्ट की थी वो की थी कि मैं UK07 राइडर पे वीडियो लाने वाला हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर ने आके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि भाई जेपी 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 जेपी। तो ठीक है भाई, आ गई वीडियो, चलो देखते हैं। मतलब खुला थ्रेट दिया बंदे ने, सो मतलब उसके बाद मैंने सोचा भाई नहीं यार, अब तो व्लॉग डालना बनता है। सो गाइस, अब यहाँ पे जेपी के स्वैग का लेवल देखें यार। बंदा बोल रहा है कि खुला थ्रेट दिया बंदे ने, अब तो वीडियो डालना बनती है या अब तो व्लॉग डालना बनता है। भाई हमें जब वो धमकी देता है या तो हम दोस्तों को कॉल करते हैं या 100 नंबर पे पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, लेकिन नहीं, जेपी ने व्लॉग डालना है भाई, जेपी ने वीडियो डालनी है। तालियां हो जाए भाई, अब बजाओ दल्लो, तालियां बजाओ। जेपी का स्वैग लेवल नहीं देख रहे आप, बजाओ तालियां। सो गाइस, आप चेक करना, मतलब हमारी गलती भी नहीं थी, माना मेरी गलती थी, मैंने उसको देख। जेपी या तो तू पागल है या पागल ही है। यहां पे बंदा बोल रहा है भाई कि देखो हमारी गलती भी नहीं थी, माना कि मेरी गलती थी। यार कोई लॉजिक हुआ, कोई सेंस हुआ इस बात का? मेरी गलती थी, माना हमारी गलती नहीं थी, गलती थी हमारी। यार क्या है यार, कहना क्या चाहते हो? दे भाई वीडियो का टाइटल ये साथ में रहा यार। यहां पे देखेंगे जब जेपी रोलिंग स्टॉपी या स्टॉपी जो भी मारने आ रहा था, वो बंदा जिसके साथ इनकी लड़ाई होने वाली है, वो ऑलरेडी जानू स्टार्स क्या हुआ यार, जानू दीदी के साथ खड़ा था। अब जानू दीदी तो अच्छी खासी स्क्रिप्टेड वीडियोस बना लेते हैं, उन्होंने बंदे को समझा दिया कि नेक्स्ट वीडियो का सीन ऐसा होने वाला है, तूने ऐसा करना है। अब देखें, पहले वो बंदा साथ में स्लो मोशन में वीडियो एड कर रहा हूं, पहले वो बंदा इनके साथ खड़ा है और अगले ही सीन में ये देखें कि वो बंदा जाके कहां खड़ा हो जाता है। 1 2 देखो भाई, यहां पे वो बंदा रोड के साथ में जाके ऐसे खड़ा हुआ है सीधा रोड में। जाहिर सी बात है कि जो भी बंदा आएगा पीछे से, उसकी बाइक उसके साथ लगनी है जो स्टॉपी दिल्ली मारा, और जिपे जैसे जेपी की बाइक साथ लगती है वो बंदा धक्का मुक्का करना शुरू हो जाता है कि भाई क्या कर रहा है। ये 4-5 बंदे वो अकेला ही रेलना शुरू हो गया। वो बंदा जो खुशरू की टोली का सरदार है भाई, जिस बंदे को बंदा ऐसे ऐसे उठा लेता है ऊपर, वो बंदा इन 4-5 बंदों को मारना शुरू हो गया। और जानू कैमरा लगा के आगे, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, अरे यार साले तूने मेरा कैमरा तोड़ दिया, जानू पीछे ले जा यार, बंदा क्या कर रहा है तू यार, बची सॉरी यार, लगी थोड़ी ओए कैमरा तो नहीं टूटा, कैमरा तोड़ गया यार, साले तेरा घर जाएगा, साले तेरा घर जाएगा। अब जब मैं बोलता हूँ इनको दल्ला या बड़वा कुछ भी बोलता हूं तो इनको लग जाता है बुरा। यहां पे मुझे अब ये बात बताओ यार कि जेपी ये पे बोल रहा है कि कैमरा तोड़ दिया साले ने, तेरा घर जाएगा इसमें। भाई एक जुगी वाले होते हैं ना, आसपास आपने देखे होंगे, उनका भी 40-45 हज़ार का इसका सेटअप है जो कैमरा का, उसमें उनका भी घर रेडी नहीं होता। जेपी कौन से बर्म में जी रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है, कौन से गोले से है ये, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओ भाई पागल है, क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है यार, ये गलत सुनो, रुक मेरे पास बैंडेज पड़ी है, रुक 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 रुक, ओ यार अभी भाई इसके पास रुक जाए और कुछ नहीं यार, ओ शिट शिट। यहां पे देखें यार, ये पोलियो का मरीज इन दोनों फ्रेंड्स को पेल के चला जाता है वही सनसान सी रोड जहां पे लोगों का ज्यादा अंजन नहीं रहता हमेशा की तरह। अब यहां पे इसके फ्रेंड के सर से ब्लड निकल जाता है, जेपी क्या करता है वो उसे पट्टी पुट्टी बैंडेज वगैरह करके ले जाता है कहां, डॉक्टर के पास, नहीं मेरी जान गन्ने का जूस पिलाने, इधर देखें सुबह हम गन्ने की शॉप पे हैं, सो भैया से ना हम ये देख रहे हो पिछले वाली साइड से, तो भैया को हमने बोला कि यार प्लीज खोल दो आगे से आने का, भाई अभी हिम्मत नहीं है, सो भैया मैं जूस, भैया दो जूस बना दो यार फटाफट यार। जेपी तेरे स्वैग दल्ले, तेरे स्वैग। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब भी तुम कहीं से गिर जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें कोई मार दे, तुम्हें लग जाए, तुमने गन्ने का जूस पीना है मेरे भाई, ठीक है? ये किसने कहा है? बहुत महान हस्ती
जेपी दलाल अपने कंटेंट के चक्कर की दलाली। महेश दल्ले न्यू बाइक को टक्कर मार दी लड़की ने रोड पे, ये साथ में देख लिया भाई टाइटल। चलेंगे थोड़ी सी वीडियो देख लिया बाप। भैया थोड़ी जल्दी आ जाओ यार। ओ भाई शिट यार क्या कर रहे हो यार, तू दिखता नहीं है, तो मैं कहां पे खड़ा हूं? हम साइड पे लगाए थे यार लीवर यार। शिट गाइस यार कहां लगाई है तुमने, पूरा लीवर तोड़ दिया यार। मैं अरे मैं इधर वेट कर रही थी यार, मैं वेट कर रहा था तुम्हारे से पहले यहां पे यार। नहीं हां लगे तुम आगे नहीं लगा सकते। अब मैं पहले का खड़ा हूं, मैं तो यहीं लगाऊंगा ना यार। तुम्हारा दिमाग है यार, स्कूटी चलानी आती है, स्कूटी चला लेते हो यार। दिख रहा क्या? देख ली वीडियो, कुछ समझे? मुझे नहीं लगता कुछ समझोगे। तो भाई जम जाएगा ना मेरी जान, मैं तो इसलिए हूं इधर। भाई इस लड़की का नाम है नेहा रैना। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते तो आप सबको पता होगा, जब मैंने अमीन बट व्लॉग्स जननी को एक्सपोज किया था तो वहां पे उसकी एक वीडियो थी, टाइटल आ रहा था कि लड़की का फोन खो गया था तो अमीन ने जाके उसे वापस किया था। अब मैं ये कहता था कि पैसा दिया होगा, बट पैसा नहीं। वहां पे लड़की ने बोला कि मैं भी एक व्लॉगर हूं, नाम है नेहा रैना। भाई जो मेरे को लगा, ओ यार भाई मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ सीन होगा। हेलो, बढ़िया मिल गया यार आपका फोन। टेंशन नहीं लो, ये रहा आपका फोन। यार मेरा फोन पता कहाँ घूम गया था, मेरे को पता ही नहीं चला यार। मुझे पता, बड़ी टेंशन हो जाती है। अमीन बट देखा, एक्चुअली मैं भी व्लॉग वगैरह बनाती हूं। बनाती हो चैनल का? नेहा रैना। गाइस सुन लो, नेहा रैना। पहले इस लड़की ने जाके क्या किया कि अमीन के साथ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई, देन जेपी के साथ। और अमीन के साथ तो कुछ और वीडियोस में भी बाद में देखने को मिली, बट जेपी के साथ अभी तक नहीं मिली, क्योंकि जेपी का बजट लो है, जेपी के व्यूज कम आ रहे हैं, समझो ना मेरी जान। तुम लोग जितने मर्जी दलो, जो मर्जी दलाली कर लो ना, लेकिन एक्सपोज करूंगा। तुमने क्या सोच लिया कि अगर ऑडियंस सुसिया बन सकती है तो जैसा भाई सुदाब भी सुसिया बन सकता है ना मेरी जान। एक एक करके एक्सपोज करूंगा और सबको करूंगा, सबकी रील बना दी जाएगी। हेलो भैया, ये देखो इनको बोला करो थोड़ा सा आराम से। बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत टाइम के बाद आज बंदे मिले, फोन पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हमने पकड़ लिया भाई। सुबह यहाँ पे रील वगैरह बना रहे थे, सपोर्ट करो भाई इनको, फुल पावर। दुआ करो जल्द से जल्द ठीक हो जाए यार। हैं चेपी भाई, एक पता एक चीज क्या है, दो साल से ना ये चीज आपको पता, ये चीज आपको भी पता कि मैं इस फ्रेम के लिए ना, इस फ्रेम के लिए मैं कितनी बार बोलूं बापू भाई, बटा के मैं उनको भी बोलता था हर एक ही बात। बता तू कभी उसके भाई के खिलाफ बोलता है, कभी उसके खिलाफ? जब सारी दुनिया उसके खिलाफ, सारी दुनिया नहीं सारा हिंदुस्तान उसके खिलाफ वीडियोस बना रहा था, तब तूने उसे ये बोला कि तू मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी को बदनाम किया हुआ है तूने। मर गया, उसको कंटेंट बना लिया और भाई वहां से भाई तुम अपना चैनल चला रहे हो, तुमने मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी का ना भाई नाम खराब करके रख दिया हुआ है। आज तू कौन सा मुंह लेके यार, मुंह है इसका नहीं। अबे दल्ले कौन सा मुंह लेके तू उसके पास गया कि अमी भाई मैं इसी फ्रेम का वेट कर रहा था, तो इसी फ्रेम का वेट कर रहा था, तो तू कॉल करके तब अमीर से पूछ सकता था कि भाई क्या सीन है यार, सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मुझे करना चाहिए, मैं क्या करूं? अगर तू उसका फ्रेंड था, तू उसके इतना ही क्लोज था, तुझे इतना ही इसकी केयर थी कि ये सारे फ्रेंड इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन जेपी ने ऐसा नहीं किया, जेपी को पता था कि अभी व्यूज आने हैं उस वीडियो पे। नहीं नहीं बात तो ये है, अगर तेरे जैसे दल्ले जो दोस्त हैं वही उठ के उस बंदे के खिलाफ हो गए, तब वो बंदा वहां पे जाता ना, तो दोस्त खिलाफ थे तो वहां पे तो उसकी रेल बना दी जानी थी। बड़ा ही अच्छा किया जो बंदा वहां से निकल के यहाँ जम्मू में पहुंच गया, लेकिन नहीं तुझे कहां सुकून मिलेगा। हाँ तो भाई वो एक यार बंदा था जिसे आप कभी ब्यूटी बाज कहते हो, कभी जनानी कहते हो, कभी दीदी कहते हो, मतलब मैं उसे जानू स्टर्स कहता हूँ सीधा सीधा। भाई मैं पोक नहीं करता होता यार, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। जो ये कह रहा था कि एक बंदा ऐसा जिसकी किसी के साथ नहीं बनती, जरा ये वीडियो उसे दिखाना यार। इस वीडियो में भाई आप देख सकते हैं सामने सामने के अफू कोहली, सादिक मलिक, अमीर माजिद, ये सारे गट्ठे दिखाई दिए। वैसे तो ये मेरे पास न्यूज आई से 10-15 दिन पहले पहुंच गई थी, बट मैं विद प्रूफ और फैक्ट्स के साथ बात करने वाला हूं भाई। ये जो लोग हैं बीच में, अपने मुंह से इन्हें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने मुंह से इतना ही हगा करो जितना तुम बाद में खा भी सको, क्योंकि तीर कमान से और बात जुबान से निकली वापस नहीं आती। अब तुम लोग कैसे खाओगे यार, मुझे बताओ यार। तो ठीक है भाई, होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी जान तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और भाई कोशिश करूंगा कि 2 दिन में एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएं, लेकिन प्लीज भाई की किसी बंदे के बारे में बताओ यार, उस पर वीडियो बनाओ, अपने जम्मू के भाइयों पर कब तक, आखिर कब तक।